तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो वहाँ पे और उस कंपनी को रिजाइन करके किसी दूसरी कंपनी में चले गए एंड इसके बाद आपको फिर दोबारा से ऑफर आया आपको वो करेंट कंपनी में जहाँ से आप रिजाइन करके गए थे, तो क्या उस कंपनी में जाना चाहिए, आपके लिए वो बेनिफिट होगा, क्या सही है क्या गलत है, तो वो सारा डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखते रहना एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। दोस्तों अगर आप बोलोगे कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ या अपना ओपिनियन बताओ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको 50% जाना भी चाहिए और 50% नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक जो होती है ना वो केवल ये समझती है कि तुम काम करो और हम तुम्हें सैलरी देंगे, बाकी कंपनी को रिश्ता नहीं चलाना है कि तुम चले गए चलो फिर ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए फिर तुम आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें कंपनीज में नहीं चलती हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक बार जब कंपनी को रिजाइन करके चले जाते हो तो कंपनी के मतलब कि वो एक तरीके से ना बोलते हैं डिमांड पे आ गए कि एक कंपनी की नज़र में रहना, तो आप वहाँ पे जब दूसरी बार जाते हो तो फिर कंपनी की एक नज़र में आए और अपने को भी, मैं बता रहा हूँ कि अपने को भी थोड़ा सा ऑड ही लगेगा कि यार मैं इस कंपनी से रिजाइन करके गया था फिर से मैं दोबारा उसमें आ रहा हूँ। एंड दोस्तों जो कंपनीज के सीनियर्स होते हैं उनसे उनके सामने भी जाना, वो फिर पूछेंगे यार तू फिर दोबारा आ गया, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा या मज़ा नहीं आया, लेकिन वो वहाँ पे चीज़ें ना सैलरी को लेके, क्योंकि बंदा तभी दोबारा से आता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसको फिर से ज़्यादा सैलरी मिल रही हो जो उसकी करेंट कंपनी में हो, तो इस कंडीशन में बंदा दोबारा से मूव होके फिर उस कंपनी में आना चाहता है क्योंकि लोग वहाँ पे पूछते भी हैं, कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे सामने आती हैं और कंपनी की नज़र में एक थोड़ा सा डिमांडेड हो जाते हो कि यार ये बंदा अभी यहाँ से एक साल पहले गया था, एक साल वहाँ किया, एक साल बाद यहाँ आ गया, फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर यहाँ से रिजाइन करके फिर वहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि कंपनी को क्या है कि तुम आओ काम करो और अपनी सैलरी लो और जाओ, मतलब काम जितना से ज़्यादा होता है वो लोग करवा ही लेते हैं, तो बेसिकली उनका यही होता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कितना भी अच्छा काम कर लो, जब आपका रिजिग्नेशन टाइम होगा ना, जब आप कंपनी को रिजाइन डाल दोगे, तो समझ लो कि कंपनी के जो मतलब सीनियर्स होंगे, जो मेन मेंबर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा एक अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। आप रिजाइन के पहले बिहेव होता है उनका, वो कुछ डिफरेंट होता है, जब आप रिजाइन डाल दोगे तो उस टाइम का बिहेव वो कुछ उनका डिफरेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब आपने एक बार रिजाइन डाल दिया तो फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, दोबारा से आना तो एक मुश्किल ही है। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लगता है कि यार चलो ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा या मैनेजेबल हो आपको, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करो तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होता है, लोगों के बारे में नॉलेज होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो सारी चीज़ें पता होती हैं, बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि जाना है कि नहीं जाना है। इसमें मैंने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और ओपिनियन बताया। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर बटन दे रहा हो वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपका मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉमेंट्स या क्वेरी नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप स्टूडेंट जैसे तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद जय भारत।